हेलो दोस्तों, आई एम संतोष। हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू किंग इन किचन। आज मैं बैगन का भरता बना रहा हूँ, तो सोचा कि लाइव आ जाऊँ और आपको जल्दी दिखा दूँ कि बैगन का भरता कैसे बनाते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको हाउ टू मेक बैगन का भरता। उसके पहले मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लूँ। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा है। तो यहाँ मैं बैगन को ऑलरेडी मैंने इसको गैस के ऊपर थोड़ा पका लिया है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अभी विंटर का सीज़न है तो हमको फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, तो फ्रेश बैगन बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होगा। तो ये बैगन ऑलमोस्ट पक चुका है, अब मैं इसे डाल लूंगा एक बर्तन में पानी लेके ताकि इसका जो स्किन है वो अच्छी तरह निकल जाए। तो गैस को मैं फ्लेम स्मॉल कर देता हूँ और फिर इसे मैं डाल दूंगा पानी के अंदर। ये जल्दी ठंडा भी हो जाएगा और इसका स्किन रिमूव निकालने में भी हमें आसानी होगी। अब मैं यहाँ कुछ 3 मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटर को भी मैं अच्छी तरह ग्रिल कर लूंगा। तो आपको मैं एक चीज दिखा दूं, यहां मैंने टमाटर में मैंने कट्स डाल दिए हैं, 4 कट्स चारों तरफ, जिससे क्या होता है कि ये जो हीट है गैस का उसके अंदर अच्छी तरह चल जाता है, जल्दी पक जाएगा और फिर जब उसका स्किन रिमूव करेंगे तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप जब भी टोमेटो ग्रिल करें तो आप एक नाइफ लेके इसके चारों तरफ कट लगा सकते हैं। कभी भी आप हाथ से ग्रिल करने का ट्राई मत कीजिएगा, बहुत ही डेंजरस है, इसीलिए मैं एक लंबा सा टॉन्ग यूज कर रहा हूँ। आपके पास कुछ चिमटा है तो आप चिमटा का यूज भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो जहां हमने कट किया है वो अपने आप स्किन वहां से ओपन हो गया है। तो दोस्तों, बैगन के बहुत सारे फायदे हैं और हिंदी में बैगन को बैगन भी बोला जाता है। बोलते हैं कि बैगन में कोई गुण नहीं होता है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। बैगन में बहुत सारे गुण होते हैं, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है और इसमें फाइबर बहुत ही ज़्यादा होती है, लॉट्स ऑफ फाइबर, एंड इट इज ऑल्सो रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन एंड फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और ये कैलोरी वाइज भी बहुत ही लो कैलोरी है। तो जो भी वेट लॉस कर रहे हैं उन्हें बैगन ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये कैलोरी बहुत ही लो है और फाइबर भी ज़्यादा है, तो ये आपका स्टमक बहुत देर तक फुल रखेगा। और क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा है तो ये ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखता है, तो इसलिए ये डायबिटीज के लिए भी अच्छा है। तो इस तरह आपको बीच बीच में टमाटर को हर तरह से पकाना है। गांव में क्या होता है कि जब चूल्हा होता है तो उसमें अच्छी तरह पक जाता है, लेकिन यहाँ पे हम सिटी में, क्योंकि फ्लैट में हम चूल्हा का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम गैस में पका रहे हैं।
दोस्तों टमाटर में भी विटामिन सी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए और अभी विंटर का सीजन है, फ्रेश फ्रेश टमाटर मिलते हैं, तो आप जितना ज्यादा आप खा सकते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स आप जरूर खाएं विंटर के समय में। मैंने टमाटर के साथ टमाटर दोसा भी बनाया है, आप मेरा फेसबुक पेज किंग इन किचन देख सकते हैं, मैं जल्दी उसका रेसिपी भी अपलोड करूंगा। अगर आपको हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड्स देखने हैं तो आप मेरा फेसबुक पेज किंग इन किचन या यूट्यूब चैनल भी है, उसका नाम है किंग इन किचन, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, मैंने बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड स्पेशली फॉर वेट लॉस एंड डायबिटीज़ मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप ज़रूर देखें और मेरा पेज को भी आप लाइक करें। और आपको अगर कुछ स्पेशल रेसिपी चाहिए दोस्तों तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। और आपको कुकिंग रिलेटेड कुछ टिप्स चाहिए तो आप अभी वीडियो मेरे कमेंट में आप लिख सकते हैं, जब ये वीडियो बंद हो जाएगा फिर मैं सबका रिप्लाई करता रहूंगा। तो दोस्तों टमाटर लगभग पक चुका है, अभी हम इसे और 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। तो जब तक टमाटर पक रहा है हम चलिए बैगन का जो स्किन है वो रिमूव कर लेते हैं। तो यहां मैं जो बैगन है उसका स्किन को मैं रिमूव, आप देख सकते हैं क्योंकि मैं पानी में डालकर रखा था तो ये कितनी जल्दी ही स्किन इसका रिमूव हो जा रहा है। अब चाहे तो इसे ग्रिल करने के पहले बैगन को आप उसके ऊपर तेल भी लगा सकते हैं तो उससे भी स्किन बहुत जल्दी निकल जाता है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं इसे पानी में डाल के इसका स्किन रिमूव करूँ। तो दोस्तों यहाँ जो बैगन मैंने यूज किया है वो पर्पल कलर का जो बैगन आता है बड़ा वाला, मैं वो यूज कर रहा हूँ, मैंने कभी हरे बैगन से कभी ट्राई किया नहीं है क्योंकि उसका स्किन जो है वो बहुत ही पतला होता है, तो आई डोंट नो, आई नेवर ट्राइड, आप चाहे तो ट्राई करके मेरे को बता सकते हैं कि ग्रीन कलर के बैगन जो लंबा वाला आता है वो उससे अगर हम बैगन का भरता बनाएंगे तो कैसा लगता है, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। तो ये देखिए हमने स्किन अच्छी तरह निकाल लिया, अब मैं इसे एक प्लेट में रख लूंगा, तो इसका ऊपर वाला जो हार्ड पार्ट है जिसका क्राउन है वो मैं काट के निकाल लूंगा। और फिर इसे काट लेता हूँ, तो एक बार चेक कर लेते हैं कहीं इसमें कुछ वर्म्स तो नहीं है, तो बिल्कुल फ्रेश है, देख सकते हैं इसमें वर्म्स कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ है। तो यहाँ दोस्तों जब आपको स्मैश करना है
तो आप स्टील का प्लेट यूज कीजिएगा, नहीं तो फिर दूसरे प्लेट हो सकता है कि स्क्रैचेस आ जाएं। तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक वन फोक और मैं फोक की मदद से इसे स्मैश करके इसे पल्प जैसा कर लूंगा। दोस्तों सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, यहाँ पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए आपको बैकग्राउंड नॉइस कुछ सुनाई दे रहा होगा, तो प्लीज बियर विथ मी। तो इसे मैं स्मैश करूंगा और तब तक हमारा जो टोमेटो है वो भी पक चुका है, तो उसे भी मैं पानी में डाल दूंगा। तो जो टमाटर जो पानी मैंने यूज किया था उसे भी डाल दूंगा, बेकार पानी क्यों वेस्ट करें, क्योंकि इसका भी तो स्किन हमें निकालना ही है। इसे साइड कर दूंगा और फिर से अच्छी तरह बैगन को, या ब्रिंजल, इसे ब्रिंजल भी कहते हैं, इसे एक प्लांट भी बोलते हैं, इसे कई नामों से जाना जाता है, लेकिन जो ब्रिंजल जो नेम है वो मैंने इंडिया में ही सुना है कि इंडिया में लोग यूज करते हैं, बाकी विदेशों में इसे एग प्लांट बोलते हैं। तो इस तरह आप एक फोक लेके इसे अच्छी तरह स्मैश कर लीजिए। हो गया है, अब नेक्स्ट स्टेप है मैं थोड़ा प्याज लेके उसे क्रश करूंगा। तो मैं यहां पे एक क्लॉथ रख रहा हूं ताकि ये स्लिप ना हो जाए। फिर मैं डालूंगा कुछ बारीकी से कटे हुए अनियंस, यहाँ मैं छोटा अनियन जो शैरेट बोलते हैं वो ले रहा हूँ। तो ये नॉर्मली केरल से आता है, वहाँ बहुत ही ज़्यादा, केरल और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा पाया जाता है छोटा छोटा अनियन जिसे शैरेट्स बोलते हैं, मैंने वो लिया है। आप चाहे तो जो नॉर्मल अनियन आता है वो आप ले सकते हैं, दो मीडियम अनियन उसे एकदम बारीकी से काट लीजिए, और दो ग्रीन चिलीज हरी मिर्च। तो ये मैं इसे एक स्टील के बर्तन में डाल दूंगा और इसे हल्का सा हमें क्रश करना है। तो क्रश क्यों करना है, क्योंकि इससे इसका जो अनियन का जो एक रस होता है, जूस होता है, वो अच्छी तरह निकल जाएगा और वो टेस्ट को बहुत ज्यादा एनहांस करेगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कच्चा अनियन डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को अनियन रॉ खाना बहुत ही पसंद है। तो अगर आप चाहे तो इसे हल्का सा तेल में सॉटे कर सकते हैं। अगर आपको तो बहुत लोगों को कच्चा अनियन खाना पसंद नहीं आता है तो वो लोग इसे थोड़ा कढ़ाई में हल्का सा पका लें ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए, और उसके बाद आप इसमें जो ब्रिंजल हमने ग्रिल करके रखा था स्मैश किया हुआ वो और टमाटर ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद आप नमक और जो भी मसाला आपको चाहिए वो आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड भरता बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये बेस्ट है या वो बेस्ट है, तो आप अपने स्वाद के अनुसार या कन्वीनियंस के अनुसार आप इसे बना सकते हैं। मैं इसमें कुछ मसालों का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि अगर मसाला ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो बैगन का जो टेस्ट है वो उसको कम कर देगा। लगभग
ये थोड़ा स्मैश हो गया है। इसका जो जूस है वो भी हल्का हल्का आने लगा है मेरी आंखों में, तो आप देख सकते हैं ये मैंने किस तरह प्याज को और हरी मिर्च को मैंने थोड़ा क्रश कर लिया है। अब इसे साइड में रखते हैं और जो हमारा टमाटर है उसे भी हम स्किन आउट कर लेंगे। अगर थोड़ा स्किन उसमें रह भी जाता है दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपको एक अच्छा स्मोकी फ्लेवर देगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आप एकदम अच्छी तरह इसका स्किन निकाल के बिल्कुल को एकदम साफ कर ले, कि कोई जरूरत नहीं है। इतना हो सकता है आप स्किन को निकाल लीजिए। हम कभी कभी टमाटर के बिना इमली का पानी भी डालते हैं, तो उससे ये कुछ अलग ही फ्लेवर और ज़्यादा ही खटाई देता है। आप तो जानते होंगे कि साउथ के लोग इमली का बहुत यूज़ करते हैं, तो जब टमाटर फ्रेश नहीं होता है तब हम इमली का भी पानी पल्प निकाल के हम उसे भी डाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग टोमेटोज। तो ये हमने साइड में कर लिया और अब जो टमाटो है उसे भी हम अच्छी तरह स्मैश कर लेंगे। इसे थोड़ा काटना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो वुडन बोर्ड पे रख के भी इसे काट सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही जूसी है तो इसका बहुत सारा जो जूस है वो वुडन प्लैंक में से नीचे चला जाएगा, तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं इसी प्लेट के ऊपर ही इसे काट रहा हूँ। तो जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह काटने का वो वुडन बोर्ड में भी काट सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि इसका जूस वो वेस्ट ना हो, क्योंकि इसका सारा टेस्ट जो है खटाई वो जूस में ही आता है। चलिए इसे अच्छी तरह फिर से स्मैश कर लेंगे। दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आपको हेल्दी रेसिपीज आपको देखनी है, आपको वेट लॉस स्पेशल या डायबिटीज स्पेशल रेसिपीज आपको अगर देखना और सीखना है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल किंग इन किचन और इसी नाम से फेसबुक पेज भी है मेरा किंग इन किचन, तो आप उसे वहाँ जरूर जाके देख सकते हैं। और देखने के बाद आप ज़रूर लाइक और कमेंट भी कीजिएगा, और आपको अगर कुछ रेसिपीज आपको बनानी है सीखनी है तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में, मैं जरूर आपको बना के दिखाऊंगा। तो इस तरह ये अच्छी तरह स्मैश हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे डाल दूंगा अनियन के साथ जो हमने पहले स्मैश अच्छी तरह क्रश कर लिया था।
फिर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा नमक, और फिर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों इसके साथ मैं प्रेफर करता हूँ एक और चीज ऐड करना, वो है रेड चिलीज। इसे मैं इसे भी मैं थोड़ा ग्रिल कर लूंगा गैस के ऊपर ताकि एक स्मोकी चिली टेस्ट आ जाए। तो मैं गैस को ऑन कर लेता हूं। और यहां मैं लूंगा एक स्टील का टॉन और इसे के ऊपर मैं इसे एक फ्लोकी स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैं फ्राई कर लूंगा। और ये डाल दूंगा इसके अंदर। इसी तरह मैं एक और चिली को भी स्मोक कर लूंगा। अगर आपको चिली ज्यादा पसंद नहीं है तो आप ये स्टेप भी अवॉइड कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं इसे फिर से एक बार अच्छी तरह हिला लूंगा ताकि जो स्मोक किया हुआ रेड चिली है उसका जो फ्लेवर है वो इसके अंदर अच्छी तरह इन्फ्यूज हो जाए। सॉरी दोस्तों। ताकि जो चिली का जो स्मोकी फ्लेवर है वो अच्छी तरह इसके अंदर इन्फ्यूज हो जाए। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब हम देखते हैं इसकी प्लेटिंग। तो यहां मैं एक लीफी बाउल ले रहा हूं तो ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया है दोस्तों। तो मैं कैमरा एडजस्ट कर लेता हूं। तो ये लीजिए दोस्तों हमारा बैंगन का भरता बनके रेडी हो गया है। आप इसे जरूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। जल्दी आऊंगा मैं लाइव एक और रेसिपी लेके। तब तक के लिए बाय बाय।